इंसान भी हैसियत मखलूक ज़ाहरी एतबार से अगर देखें तो हम सब समझते हैं वो क्या है। हम जानते भी हैं इसकी दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, पेट है, दो लातें हैं। मगर जहां इसकी ज़हन की बात आती है, जहां इसके दिल की बात आती है, जज्बात की बात आती है, नज़रियात की बात आती है, इसके दिल से गुजरने वाले अफकार, ख्यालात और इसकी सोच की बात आती है, इसकी बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत पेचीदगियाँ भी हैं। इसलिए इंसान को समझने के लिए खालिक के बताए हुए तरीक़ेकार के अलावा दुनिया में और कोई तरीक़ेकार नहीं है कि इंसान जान सके कि वो क्या चाहता है, वो कौन है, उसका मकसद क्या है, वो इस दुनिया में क्यों भेजा गया है और इस ज़िंदगी में उसके साथ गुजरते हुए जो भी हालात पेश आ रहे हैं उसके पीछे मा फाउकल फितरत और मा तहतल फितरत अजबाब कौन कौन से हैं। जहां इंसान को समझने की बात आती है वहां इंसान के इल्म के हवाले से ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इल्म इंसान की नीयत बनता है और नीयत इंसान की अमल की शक्ल इख्तियार करता है। अमल से पहले वो कसद और अज़म की वादियों में जाता है और फिर वहां से अमल प्रोड्यूस करता है। फिर इस अमल के बाद इंसान को नताइज मिलते हैं, फिर नताइज का वो मुहासबा करता है, फिर मुहासबे के बाद फिर इल्म बनाता है और फिर उस इल्म के बाद वो नीयत बनती है, नीयत फिर इरादा बनता है, इरादा कसद, कसद अज़म, अज़म फिर अमल और अमल फिर नताइज और नताइज फिर मुहासबा। इंसान के इस प्रोसेस के अंदर जहाँ से उसको इल्म आता है जो खारिज में से है और जहाँ पे उसका इल्म प्रोसेस होता है, एनालाइज होता है, रीजन होता है, रैशनलाइज होता है, वो उसका दिल है, उसका कल्ब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते थे अला वही अल-क़ल्ब, दिल का ख्याल रखना। इस प्रोसेस के अंदर जो सबसे मुश्किल और जो सबसे ज्यादा जरूरी और अहम सिलसिला है वो है गौर व फिक्र, तफक्कुर, तदब्बुर, तज़क्कुर, इल्म को रासिख करना। इल्म अगर दिल की वादियों से आया और गुजर गया देखने, सुनने, महसूस करने से, अपनी हिस से, और उसने घर नहीं किया दिल के अंदर सही तरीके से, और उसने इंसान के जज्बात, उसकी मोहब्बत, उसकी उम्मीद, उसका गजब, उसका गुस्सा, उसकी जीत हार, दुनिया, अल्लाह, ये कायनात और अपने बारे में और जिंदगी के सफर के बारे में उसने वो मालूमात को दुरुस्त नहीं किया जो ठीक है और उसको बाहर नहीं किया जो गलत है, तो इंसान मजीद पस्तियों और गहराइयों और अंधेरों में डूबता चला जाएगा। और दूसरा मसला इस इल्म का ये है जो इंसान के सीने में है, जो गौर व फिक्र से आता है, वो ये है कि ये रासिख ही तब होता है। ये एक ऊंट की मानिंद है जो नखील से अपने आप को छुड़ा के भागता है। इसको पक्का करने की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है और तभी जाके ये यकीन की शक्ल इख्तियार करता है, शकूक से आज़ाद होता है, शुभात से आज़ाद होता है, और इसकी मेहनत करने में और इसके अज़म और इरादे में वो ताकत मिलती है अंदर की दुनिया से जो जिस्म की ज़ाहरी हैसियत और ताकत को ज़रूरत भी है। लेकिन इंसान जब गाफिल होगा, काहिल होगा, सुस्त होगा और फजूल शुगल के अंदर अपने आप को मसरूफ़ रखेगा तो ज़ाहरी बात है वो इल्म जो उसे आया होता है वो उसके दिल में घर नहीं कर पाता। इसलिए तो आज हम ये शिकायत भी करते हैं कि हमें समझ नहीं आती बातें, हमें दीन समझ नहीं आता, हमें ये मकसद समझ में नहीं आता, हमें ये जजा सजा का सिलसिला समझ नहीं आता, हमें अल्लाह की बातें शायद समझ नहीं आती, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जाहिर बहुत समझ में आता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है यालमुना ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया, कि जाहिर तो लोगों का बहुत समझ में आता है क्योंकि उसके ऊपर तो दिल की सारी मोहब्बतें, उम्मीदें, खौफ और जज्बात और पूरा प्रेशर लगा हुआ होता है इस दुनिया को समझने में। वहम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, मगर जो इन पूरी दुनिया के पीछे बातिन में छुपी हकीकत है और इस कायनात के बाद जो आखिरत है, जो अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं, जो इश्तिहाद करके आती हैं, गौर व फिक्र करके आती हैं, उसमें इंसान सुस्ती और काहिल है और जल्दी अपनी सोच को सरसरी चीज़ों ले जाता है जो सरसरी नफा देती हैं। इसलिए इंसान उनके बारे में तो बड़ा पुख्ता है जो उसे दिखती हैं, सामने महसूस होती हैं, मगर वो जो गैब हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब के मिज़दाक में आती हैं, उससे गाफिल भी है और न उसके हवाले से उसके दिल के अंदर वो पुख्तगी और वो अच्छे ख्यालात भी नहीं आते। तो आज ये शक शुभात और ये दिल लगी जो नहीं दीन से बन पाती, उसकी वजह ही यही है कि हम टाइम नहीं देते, हम वक्त नहीं लगाते, हम सोचते नहीं है। इल्म को नीयत, नीयत को मोहब्बत, मोहब्बत को उम्मीद, उम्मीद से जुड़ा खौफ, खौफ से जुड़ी जहन्नम, उम्मीद से जुड़ी जन्नत, इन सब से जुड़ा अल्लाह सुभान व तआला, ये मखलूक, इसमें गुजरता सफर, इसमें तकलीफें, उनके माइक्रो मैक्रो कैनवसेस, ये सब चीजों के ऊपर अगर हम बैठ के गौर व फिक्र नहीं करेंगे और एक भेड़ चाल की तरह भागते जाएंगे सिर्फ चार पांच अशिया जो जिंदगी के अंदर सक्सेस और जीत का नाम दे दी गई हैं, तो इंसान से, मुसलमानों से फिर आज क्या प्रोड्यूस होगा। इसके बिल मुकाबिल दूसरी दुनिया और
اور دوسری تہذیبوں کے اندر جہاں فقدان تو ہے زندگی کے معنی دینے میں، جہاں فقدان تو ہے زندگی کو ایک ریسورسفل، ایک اسپرچل اور روحانی معنی دینے میں، لیکن تفکر تدبر کے باب کے اندر جس بھی حد کے اندر انہوں نے محنت کی، آج وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ مسلمان، آخرت اور دنیا، مادی اور حصی، روحانی، جسمانی، ہر ایلیمنٹ کے اوپر اگر تفکر کریں، غور و فکر کریں، ایفیشنسی، ایفیکٹیونیس کے ساتھ وقت ضائع نہ کریں، جسم ضائع نہ کریں، ریسورس ضائع نہ کریں، تعلق باللہ نہ ضائع کریں، تو وہ جلد اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جدھر قوموں کو ہزاروں سال لگ گئے اور ہم نے کچھ ہی سالوں کے اندر اور کچھ ہی دہائیوں میں اپنے علم اور عمل کا لوہا منوا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا کے اندر یقین، استقلال، دوام اور ترقی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ کا قرب اور جنت نصیب فرمائے۔